हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना मुंबई लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। कल मैंने आपको एक टॉपिक दिया था, लोग क्या कहेंगे, तो मैं आज उसका एक पार्ट लेकर आई हूँ आपके सामने कि लोग क्या कहेंगे। आपको पता है इस दुनिया में ज्यादातर प्रतिभाओं ने अपना गला क्यों दबा दिया, अपनी प्रतिभाओं का गला क्यों दबा दिया? पता है आपको क्यों? पता है उनको हमेशा यही चिंता रहती थी, अगर वो ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, वैसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। वो सिर्फ लोग क्या कहेंगे की बातों में उलझकर ही रह गए और अच्छी प्रतिभाओं का सत्यानाश हो गया। और पता है वो सब किनकी परवाह करते थे? आपको लगता है सच में कि किसी के पास टाइम है ये सब की बातें करने का? अगर आपको लगता है कि वो आपके बारे में कुछ सोचते हैं, बोलते हैं या कुछ कहते हैं, वो लोग जिनकी हम परवाह करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो मैं आपको बता दूं इसका मतलब उनके पास टाइम ही टाइम है, वो खाली, उनके पास कोई प्रतिभा ही नहीं है। और हम प्रतिभाहीन लोगों के बारे में सोच के अपनी प्रतिभाओं का गला दबा देते हैं। सही बात है ना, न जाने कितने लोग सिर्फ इसी चीज में उलझकर रह जाते हैं और बाद में सोचते हैं, अरे यार ये कर लिया, उसे तो कितना अच्छा था, मैं कामयाब होता, ये कामयाब होती। बट लोग क्या कहेंगे कि उलझन में उलझ के रह गए वो लोग। मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप उसको बाहर लाएं, अपने आप को कामयाब बनाएं। हाँ, अपने परिवार और अपनी संस्कृति को ना छोड़ें, क्योंकि यही दो लोग हैं जो आपको कामयाबी दिलाएंगे, यही लोग हैं जो आपकी कामयाबी से खुश होंगे, यही लोग हैं जिनको आपके ऊपर फक्र होगा। अदरवाइज तो दुनिया का काम है कहना। अब ये हमको डिसाइड करना है कि हमें इस चीज पे गौर करना है या नहीं कि लोग क्या कहेंगे। अब आप लोग क्या कहेंगे मेरे वीडियो के बारे में जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर आऊंगी मैं एक और इसी के आगे के चैप्टर में। थैंक यू, बाय बाय।